वेल हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो मैं फिर आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे। तो छोले को मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, अब मैं इनको बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी कुकर में। यहाँ पे मैं नमक डाल के इनको बॉईल कर लूँगी। तो हमारे छोले बॉईल हो गए हैं बहुत अच्छे से, 5-6 सीटी में ये हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ छोलों को अलग निकाल के रखा हुआ है, बाकी के मैंने कुकर में ही रहने दिए हैं। ये देखिए, अब जो मैंने ये अलग से निकाल के रखे हैं, ये रीज़न है जब हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे हम इन छोलों को उसमें यूज़ करेंगे। तो ये जो मेरे छोले हैं मैं इस तरीके से इनको मैश कर लूँगी। ये देखिए, इनको इस तरीके से मैश करके मैं अलग से रख लूँगी। सो देख सकते हैं ये हमारे बढ़िया से मैश हो चुके हैं, जितने हमें मैश करने थे उतने ही बस। ये देखिए, ज़्यादा भी मैश ना करें, जैसे मैंने किए हैं आप उसी तरीके से कीजिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। ये मेरे बाकी के छोले। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने पेस्ट बना के नहीं रखा हुआ है, इस तरीके से रफली चॉप करके रखा हुआ है। आप चाहें तो पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन हमें बाज़ार स्टाइल बनाने हैं तो इस तरीके से आप रफली चॉप करके ही डालिए। या मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची का रफली पेस्ट बना के रखा हुआ है, या मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, अब मैं इसमें डालूँ 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच हींग, 2 तेज़पत्ता, या मैं थोड़े लौंग, इलायची और 3-4 काली मिर्च इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। अब बस इनको लाइट ब्राउन होने तक हम सौटे करेंगे। अब जो मैंने बारीक रफली चॉप करके प्याज रखा था वो इसमें डाल के प्याज को भी मैं लाइट ब्राउन होने तक सौटे करूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने जो अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट लेके रखा हुआ था इसको इसमें डाल दूँगी। अब इनको भी अच्छे से पकाऊंगी जब तक हमारा अदरक और लहसुन का कच्चापन ना निकल जाए। ये देखिए इस तरीके से, ध्यान रखें हमारा अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए तभी हम इसमें मसाले डालें। अब मैं यहाँ पर डालूंगी मसाले। मसाले में डालूँ धनिया पाउडर 2 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच, आप मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, एंड हल्दी पाउडर। यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ, नमक आप उस अकॉर्डिंग डालें। जब हमने छोले बॉईल करने रखे थे उसमें भी हमारा नमक था, तो नमक की क्वांटिटी आपको ध्यान में रख के नमक अपना डालना है अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ मैंने जो टमाटर लेके रखे हुए थे पेस्ट बनाकर उसको इसमें डाल दूँगी। अब मसालों को अच्छे से भूनूँगी। ये देखिए, मसालों को अच्छे से भूनना है। तो अब हम यहाँ पे बना रहे हैं बाजार वाले छोले, तो उसमें थोड़ा कालापन तो हमें लाना है। आप चाहें तो जो छोले बॉईल होने रखते हैं हम लोग तभी उसमें कॉटन के कपड़े में चाय पत्ती को बांध कर डाल सकते हैं, वरना आप मेरी तरह कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी बाद में चाय पत्ती को पानी में उबाल लिया है और ये मेरे मसाले भी एकदम पक चुके हैं। ये मेरा चाय पत्ती वाला पानी भी एकदम तैयार है, मैं इसको इसमें डाल लूँगी। और जो हमारी चाय पत्ती जो है आप उसको चाय बनाने के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमारे मसाले एकदम तैयार हैं। अब जो मैंने यहाँ पे छोले मैश करके रखे हुए थे, ये देखिए, अब मैं इन छोलों को भी इसमें डाल लूँगी सो डैट जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी थिक बने। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा आपको अगर आप ये रेसिपी से मेरे स्टाइल से छोले बनाएंगे तो। तो बस अपने छोले को इस तरीके से मैं चला लूँगी। अब जो मैंने बाकी के छोले लेके रखे हुए हैं मैं अपने सभी छोलों को इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, तो बस अब मैं इनको 15-20 मिनट तक ढक के रखूंगी, इनको अच्छे से कुक होने दूंगी। ये देखिए, इसको मैं ढक के रख दूंगी, तब तक हम भटूरे की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ भटूरों के लिए मैंने मैदा लेके रखा हुआ है 1 कप, यहाँ पर मैंने दही लिया है, पानी एंड बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे मैंने जो 4 चम्मच दही लेके रखा हुआ है वो डालूँगी। अब मैं यहाँ पे डालूँगी बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो भटूरे का डो तैयार करने के लिए बेकिंग सोडा भी उसको डाल के अपना डो तैयार कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं डालूँगी सॉल्ट। अब मैं यहाँ पर डालूँगी 4 बड़े चम्मच ऑयल सो डैट जो हमारी मैदा है वो बहुत अच्छे से गुन जाए और इसमें पपड़ी ना पड़े। बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इनका डो तैयार कर लेना है। हमारा डो बन के तैयार है, अब इसको 3 से 4 घंटे रेस्ट पे रखना है। तो तब तक हम छोले चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे छोले भी एकदम परफेक्ट बन चुके हैं।
अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला, ये देखिए, एंड देन इसको अच्छे से चलाऊंगी और इसको 2-3 मिनट तक के लिए कुक करूंगी। बिल्कुल परफेक्ट बाजार स्टाइल वाले छोले बनकर हमारे तैयार हैं। बस इनको मैं अब सर्व कर लेती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे कुक हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में, बिल्कुल बाजार वाले छोले। ये जो मेरी मैदा है ये मैंने 3 से 4 घंटे रेस्ट पे रखी थी। अब मैं इसको इस तरीके से इनके पेड़े तैयार कर लूँगी। ये देखिए अब मैं इस तरीके से मैदा स्प्रेड कर लूँगी और इस तरीके से अपने भटूरे बेलूँगी। ये देखिए बस अब इनको अच्छे से तलना है। ये देखिए गाइस, ये देखिए ये बहुत बढ़िया से फूल जाएंगे। बस जो हमारा हम डो तैयार करते हैं उसको 3 से 4 घंटे रेस्ट पे रखें तो इस तरीके से आपको फूले फूले भटूरे मिलेंगे। देखिए लग रहे हैं ना देखने में कितने मज़ेदार। तो बस इसी तरीके से मैं अपने बाकी के भटूरे भी बना के तैयार कर लूँगी। हमारे छोले भी रेडी हैं, तो बस अब किस बात की देरी है, इनको सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं सर्विंग प्लेट में सर्व करने के बाद। सो लीजिए जनाब, मेरे छोले भटूरे एकदम बाजार स्टाइल में बनके तैयार हैं। यहाँ मैंने लच्छेदार प्याज काट के रखी हुई है। आप इस प्याज की रेसिपी मेरी आने वाली वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल बाजार स्टाइल। आप घर पे अपने छोले भटूरे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरीके की और भी नई रेसिपी के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग गाइस, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो प्लीज़। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।